आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर पीसी और लैपटॉप्स को कैसे सुपर फास्ट स्पीड में आप लोग बदल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर भी स्लो है तो आप इस वीडियो को देखिए और अपना कंप्यूटर को सुपर फास्ट कर लीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि यूट्यूब हर वीडियो आपको पहले भेजे, वो भी बिल्कुल फ्री में। जब भी हम लोग अपना कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं तो बहुत सारे टेम्पोररी फाइल्स, और जब हम लोग इंटरनेट भी एक्सेस करते हैं तो बहुत सारी कुकीज़ और बहुत सारे जंक फाइल्स कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर और रैम पर जमा हो जाते हैं। इसके लिए हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप अपना स्लो कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हो। तो देखें, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा स्टार्ट बटन। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट बटन पर आप लोग टाइप कीजिए रन, RUN रन टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। रन विंडो यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को मैं सिर्फ 4 स्टेप बताऊंगा जिससे आपका कंप्यूटर सुपर फास्ट जैसे काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है टेम्प, TEMP टेम्प। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को ओके करना है यानी के एंटर करना है। तो उसके बाद कुछ टेम्पोररी फाइल यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। ये फाइल आपका कंप्यूटर को स्लो कर देता है, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर कुछ फाइल यहाँ पर रह जाएगा, उसको स्किप कर दीजिए, उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। यहाँ दोस्तों, ऐसा एक नंबर स्टेप हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर से आप लोगों को रन टाइप करना है स्टार्ट पर जाकर, और यहाँ पर रन पर आप लोगों को फिर से टेम्प लिखना है। तो इस बार आप लोगों को करना है क्या, टेम्प से पहले यानी कि टी से पहले एक परसेंटेज लगाना है और TEMP के बाद भी एक परसेंटेज लगाना है, उसके बाद एंटर कर देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर परसेंटेज लगाया, उसके बाद टेम्प लिखा, उसके बाद परसेंट लगा और एंटर कर दिया। देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे टेम्पोररी फाइल है जो कि हमारा कंप्यूटर को स्लो कर देता है। इस फाइल को हम लोगों को डिलीट करना पड़ेगा, ये कंप्यूटर का जंक फाइल है। तो चलिए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए। तो चलिए, मैं यहाँ पर इस सब फाइल को डिलीट कर देता हूँ। देखिए, ये फाइल यहाँ से डिलीट हो रहा है। कुछ फाइल ऐसा भी है जो कि यहाँ से नहीं डिलीट होगा, तो उसको आप रहने दीजिए, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। फिर से आप लोग जाइए सर्च पर, स्टार्ट पर सर्च करिए रन। फिर से आप लोगों को यहाँ पर एक काम करना है। देखिए, यहाँ पर रन पर इस बार आप लोगों को लिखना है प्रीफेच, PREFETCH, देख लीजिए प्रीफेच, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कुकीज़ भी हैं जो कि हमारा कंप्यूटर को बहुत स्लो कर देता है। तो चलिए, इस सारे फाइल को आप सब फाइल को आप लोग यहाँ से डिलीट कर दीजिए। मैंने सब फाइल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर से सब कुछ डिलीट हो गया है। और एक स्टेप है, फिर से आप लोग स्टार्ट बटन पर जाइए, सर्च बटन पर सर्च कीजिए रन और यहाँ पर टाइप कीजिए ट्री। जी हाँ दोस्तों, ट्री, TREE ट्री, और ओके कर दीजिए। जब भी आप लोग ओके कर दोगे, एक MS-DOS की तरह विंडो यहाँ पर खुल जाएगा और आपका हार्ड डिस्क स्कैनिंग होना शुरू कर देगा। ऐसा 5-7 सेकंड चलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कंप्यूटर इस प्रोसेस से फास्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भी कमेंट कीजिए, अगर हुआ तो भी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस टेम्पोररी और जंक फाइल जो आप लोग डिलीट किया, वो
रिसाइकल बिन से भी उस सब फाइल को आप लोग डिलीट कर दीजिए, उसके बाद आपका पीसी रिस्टार्ट कर लीजिए।